प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दुर्गा कुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय को खुलवाने की मांग का मामला अब पुल पकड़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन विरोध मार्च के बाद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे दिव्यांग दृष्टिबाधित छात्रों ने एक दल ने लगातार दूसरे दिन अंधविद्यालय के बाहर चक्का जाम कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भेलूपुर पुलिस ने दृष्टिबाधित छात्रों और एक अन्य युवक जो छात्र के समर्थन में था उसे हिरासत में ले लिए, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। पुलिस हिरासत के दौरान छात्रों के समर्थन में उतरे कुलदीप ने आरोप लगाते हुए कहा कि अंध विद्यालय खुलवाने की मांग को लेकर इन छात्रों का विरोध चल रहा है, जिसका मैंने समर्थन दिया तो पुलिस ने अभद्रता करते हुए मुझे थप्पड़ मारा और हिरासत में ले लिया, जिसके बाद दो दृष्टिबाधित छात्रों ने पुलिस वैन को रुकवा कर उन्हें भी हिरासत में लेने के लिए कहा। इस दौरान दृष्टिबाधित छात्रों ने वहाँ से आने जाने वाले लोगों को भी वह रोक दिया, आगे जाने नहीं दिया। कई वाहनों चालकों से छात्रों की बहस भी हुई तो कुछ चुपचाप वहां से चले भी गए। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिए गए छात्रों को संतोषी त्रिपाठी गोपाल और कुलदीप तिवारी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसके बाद भी छात्र अपनी जीत पर अड़े हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं छात्रों का एक दल रविदास गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है, मौके पर पुलिस भी मौजूद है। अपना नाम जी साकेत है। आज आप लोग चक्का जाम किए और माता दुर्गा जी के सामने थोड़ा सा आरती कर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग संदेश यही देना चाहते हैं कि हम भाई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और हमारे साथी को पकड़ा गया, तो हम पहली बात तो आरती इसलिए कि भाई हम परमात्मा पर हमारी आस्था और हमारा विश्वास है हमारे सभी भाइयों का, तो इसलिए हम माता से आरती करते हुए यही उनसे याचना कर रहे थे कि आने वाला हमारा हर कार्य निर्विघ्न रूपेण सफल हो, ऐसी मैं ईश्वर से माता दुर्गा से प्रार्थना। आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग देखिए अन्यथा की स्थिति में भूख हड़ताल कर सकते हैं। आप प्रशासन से कुछ बातें हुई, कुछ अधिकारी वगैरह यहाँ पर आए हैं? प्रशासन से कुछ इस संबंध में कोई ऐसी बात नहीं हुई। आपसे मिलने के लिए कोई अधिकारी आया था? कोई ऐसा अधिकारी नहीं। ठीक, धन्यवाद। मेरा शुभ नाम अभय कुमार शर्मा है। आज किस तरह का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ के वजह से? सर, ये हमारा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय है, जिसे व्यापारिक हितों को साधते हुए कुछ भू माफिया बंद करने की साजिश कर रहे हैं और इसका 9वीं से 12 तक का संचालन बंद कर रखा है। हम लगातार एक वर्ष तक सब जगह ज्ञापन देते रहे, एक महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज दुर्गा कुंड आए थे। एक साथी हम जब इन लड़कों के साथ से थोड़ा हट गए, मुझे टॉयलेट जाना था, तो जो साथी मेरा हाथ पकड़ के मुझे शौचालय ले गया और उसके बाद हमको शौच करा करके यहाँ ले आया, ये लोग उसका हाथ पकड़े और उसका हाथ पकड़ के उसको जबरदस्ती ठेलते ठालते मारते पीटते गाड़ी में भर के ले। कौन 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 भर रहे? ये पुलिस के लोग इस तरह का काम किए। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर थे, इस तरह का जुर्म, इस तरह का अन्याय, प्रधानमंत्री पूरे देश में शौचालय का अभियान, स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं और एक लड़के को शौचालय करा कर ले जाने वाला, एक नेत्रहीन का हाथ पकड़ने वाला आज इस देश में जुल्म सह रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। आप बताइए ये कौन सा देश है? क्या इसी देश की गांधी ने कल्पना की थी? क्या इसी सही संविधान अम्बेडकर ने बनाया था? क्या इसी देश के लिए सुभाष चंद्र बोस मरे थे? क्या इसी देश के लिए भगत सिंह ने प्राणों की आहुति दी थी? और इसीलिए हम लोग अवरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथी छूटेंगे और हमारा विद्यालय मिल जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से प्रदर्शन। क्या मांगे रही और प्रशासन से क्या बातें हुई आपकी? प्रशासन जब से उनको पकड़ के ले गया है नहीं आया है। विद्यालय के संबंध में प्रशासन मौन है। हम कह रहे हैं कि आप एक नई प्रबंध समिति बनाइए, विद्यालय को अधिग्रहित करिए, हमारी पढ़ाई निर्विघ्न रूप से चलवाइए, हमारी कक्षाएं संचालित करवाइए और इसी 6 शैक्षिक सत्र से 12 तक क्लास चले, यही हमारी मांग है। ठीक, धन्यवाद। हम लोगों का एक ही जायज मांग है, हम लोगों का
यही मांग है कि हमारा अन्य विद्यालय जो सन 1972 से चल रहा था उसको पूर्णतः खोला जाए, जो कि उसको आर्थिक स्थिति का बहाना करते हुए उसको बंद करके उसको कार्यक्रम लगातार बच्चों के द्वारा चला है, ये कोई आज देखा वह कार्यक्रम नहीं हुआ है। और इनके सहयोग में हम अभय शर्मा जी मशहूर कॉमेडियन है, दिव्यांग है, इस विद्यालय में उन 12वीं तक की शिक्षा उन्होंने संपूर्ण रूप से पढ़ाई की है। आज यहाँ पे आए हम लोग, अपना ये वहीं पर बैठे थे, सब लोग अपना गाना बजा रहे थे। उसके बाद अभय जी को मैं लेकर शौचालय गया था, वहाँ पर आप पहले भाई चाचा जी से मैं हाथ पकड़ के उनको ले जा रहा था वहाँ पर, तो पुलिस के बल वालों ने कहा कि तुम तो देखते हो, तुम ही सारे नेतागिरी करते हो, तुम ही सब कुछ करते हो। वहाँ से SHO महोदय होंगे या क्योंकि हम तो अभी नए हैं, हमको बहुत जानकारी नहीं है इस विषय पे, लेकिन वो लोग वहाँ पे वो थे अपने कांस्टेबल दरोगा जी के साथ मारपीट तहसील हमसे लिखवाए जबरदस्ती और कहे कि तुमको अभी यहाँ यहाँ पर लेकर चलेंगे, तुम्हारा क्या करेंगे वो अभी तुम जानोगे। सही से बताओ कहाँ से आए हो, कौन हो, क्यों समर्थन कर रहे हो इन अंधों का, किस तरीके से आप लोग ये प्रोटेस्ट करना चाहते हो। तो देखिए हम बता देते हैं कि जो ये बच्चों को जो देशद्रोह आतंकवाद या तो गलत कहा जा रहा है जिनको सहयोग कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि सिबादित छात्र इनको बस एक ही इनका मांग है कि दृष्टिबाधित छात्रों का स्कूल खुले, 12वीं तक का। आज हम सहयोग कर रहे हैं तो हमारे साथ हो रहा है, कल कोई और सहयोग करोगा, आपके साथ बनारस के लोगों के साथ होगा। मैं बताना तो प्रशासन आपके साथ क्या करिए, प्रशासन ने इनके साथ ये मारा पीटा, इनको ले जाएगा, गाली गलौज की है कि साले तुम्हारी सारी नेतागिरी हम गाँव में डाल देंगे। यहाँ तक कि इनकी मान लीजिए परिभाषा है, लोग कहते हैं पुलिस वालों की भाषा ही है, लेकिन ऐसी भाषा हम जैसे छात्र जो कि LLB में पढ़ रहा छात्र बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमको सामाजिक तौर पे और मानसिक तौर पे और हमको इतना प्रतीत हो रहा है कि मैं दुखी हो रहा हूँ। इनको गिरफ्तारी करके ले जाया जा रहा था, अकेले में ना जाने कहाँ ले जाया जा रहा था, जब हमको पता चला मुझे थोड़ा दिखता।